हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SQL सर्वर में किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने आपके साथ बातचीत की थी किस तरीके से हम एक SQL सर्वर के इंस्टॉल करते हैं, उसका मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें कुछ भी डेटा होगा, कुछ करना है तो हमें सर्वर को पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। जैसे DTA डेटाबेस है ना, ऐसे यहाँ पर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो कैसे करें, यहाँ डेटाबेस वाले पे जाएं, राइट क्लिक, आप कनेक्शन को कर लें, फिर डेटाबेस पे जाएं, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करें और यहाँ पे डेटाबेस नाम दे दें। जैसे हमने नाम दे दिया अगस्त का, AUG अगस्त डाल दिया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ अगस्त का डेटाबेस आ गया। इसके अंदर टेबल्स, बट यहाँ पे भी कोई टेबल्स नहीं है क्योंकि हमने टेबल्स क्रिएट ही नहीं किए हैं, क्योंकि डेटा तो टेबल्स में ही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल के अंदर में डेटा है, तो मुझे एक्सेल फाइल से डेटा को इंपोर्ट करना है। कहाँ पे? AUG डेटाबेस के अंदर। तो क्या करें, डेटाबेस के ऊपर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ दिखेगा टास्क। टास्क में नीचे से सेकेंड आता है इम्पोर्ट डेटा, इस इम्पोर्ट डेटा को सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आप वेलकम का मैसेज आएगा, इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद पूछेगा सोर्स, मतलब कि डेटा आप कहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में डेटा सिर्फ एक्सेल से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के कनेक्शन से आता है। देखिए मुझे तो लाना है एक्सेल से, तो यहाँ हम आएंगे और एक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्राउज करके फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो फाइल हमारा है, और फिर ये वर्जन फाइल का, तो फिलहाल मैं .xls है, 97 से 2003 है, हमने सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है चूज डेस्टिनेशन। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे भी एक्सेल सेलेक्ट कर लेते, जी नहीं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा SQL सर्वर, OLEDV प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, जहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम आएगा साथ में ऑथेंटिकेशन। अब मेरा लोकल होस्ट है इसलिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा सर्वर नेम है, ये हमारा IPT हमारा PC का एड्रेस है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ राइट करना है, क्वेरी वगैरह नहीं, कॉपी करना है, फिर नेक्स्ट और रन इमीडिएटली, हमने नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर आएगा बता देगा, इसने बता दिया कि 500 रो का डेटा ट्रांसफर कर चुका है, देन यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपका टेबल, अब टेबल में कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करते देखिए C21 नाम का आ गया। अब इसको चाहो तो आप रिनेम भी कर सकते हैं कि भाई C21 ना हो, यहाँ पे कुछ और हो, तो इसको रिनेम कर सकते हैं यहाँ पे, कि मैं यहाँ पर देता हूँ C21 की जगह पे इसका नाम होना चाहिए, मान लीजिए सेल्स आ गया। अब इसकी डेटा देखना है, राइट क्लिक करिए या फिर क्यूरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम सेल्स, और यहां पर DVO.sales LES सेल्स, तो यहां पे मुझे इसका आगे एक मिनट मैंने गलती कर दिया, क्योंकि जब एक क्वेरी खोला था तो हमारा इस पे सेलेक्ट किया हमने सेल्स को, देन न्यू क्वेरी, यहाँ पे आ गया सेल्स है, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, आ गया सेल्स यहाँ पे। हाँ, अब इसको रन कीजिए नीचे आप सेलेक्ट स्टार, राइट क्लिक करके यहीं पे आप कर सकते हैं सिलेक्ट 1000 रो, या ये पूरा पाथ देना होगा, हालांकि बिना भी पाथ हो जाता है, लेकिन ये आपका लेटेस्ट वर्जन है तो शायद इसमें कुछ चेंज नहीं है, लेकिन पाथ देने की जरूरत पड़ती नहीं है, पूरा डेटा शो हो जाता है। तो पूरी SQL सर्वर को सीखने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरी वेबसाइट IBTIndia.com के थ्रू, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे रिकॉर्डिंग कोर्स को ले सकते हैं। थैंक यू।